ये लो जी गोंदली, कच्चा प्याज, ये ढलान नुमा जगह हैं, ढलान जिसको कहते हैं टिब्बे की, ये खाली जगह थी, इस पर हमने ये गोंदली लगा दी है। देखिए कितनी अच्छी सी हरा प्याज जिसको कहते हैं, ये जगह कोई यूज़ नहीं होती और लेकिन इसे बेहतर ढंग से यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए गोंदलियाँ हैं, रायता बनाएं सब्जी में, छमक लगाएं, कुछ भी है। ये देखिए एकदम अच्छा सा जो है कलर है वो बहुत अच्छा है और इस जगह का उपयोग भी अच्छे से हो गया है। अगर हम इसको समतल जगह में लगाते और बनिया बना कर लगे लगाते तो अलग से जगह जो है वो खर्च होती, लेकिन इसे अलग जगह की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए आप जो ऊपर है जो गोंदली, सामान्य जो गोंदली होती है वो एक तार की होती है, लेकिन इसमें आप जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, एक प्याज से बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं, ये गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये ढलान नुमा है और जितनी इसको नमी की ज़रूरत होती है वो नमी जो है वो इसे मिलती रहती है। और ये शाखाएँ इसलिए ज़्यादा निकालती है क्योंकि एक साइड इसकी नीची होती है, दूसरी साइड ऊँची होती है, तो जो नीचे वाली शाखा, नीचे वाली जगह होती है वहाँ पर इसकी जो जड़ें हैं वो जगह घेरने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो खुराक है वो लीफ कंपोस्ट यानी जो पत्तों की खाद होती है वो डालने से ये बेहतर परिणाम देता है। और आप इसे उन जगहों पर भी लगा सकते हैं, घर की छत है जो ऊपर जो छत होती है उसमें भी ये कच्चा प्याज आप तैयार कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी लगा करके। और मिट्टी में प्याज की जड़ें हैं जो खुश्क जो मिट्टी होगी उसमें भी अच्छी चलती हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा मिट्टी है, वो पूरी एकदम भुरभुरी है, ज़बरदस्त क्वालिटी होती है इस मिट्टी की। पानी यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरता है, केवल नमी जो है वो इसको मिलती रहती है। गर्मियों में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन सर्दियों में इसलिए क्योंकि जो धुंध होती है, वायु संचार इसमें बड़ा अच्छा रहता है और नमी जो है वो कुदरत प्राकृतिक तौर पे उनको धुंध से मिलती रहती है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर पाला भी इसे नहीं मारेगा क्योंकि ये ढलान नुमा है, तो इसलिए इसमें बचाव हो जाता है। क्योंकि हमने ये देखिए दीवार की जगह है और दीवार के बिल्कुल बगल में रास्ते को छोड़ करके इसे लगाए हैं एकदम ढाल में। तो कैसा लगा दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर।